अच्छा रुचि, जो सबसे अच्छी बात ये भी नज़र आ रही है कि जहाँ पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहाँ पर लाल देवस्थानम, वहाँ पर ना सिर्फ भगवान राम बल्कि वहाँ पर माता जानकी, हनुमान, इन सबके वहाँ पर मंदिर मौजूद है, जो अपने आप में ये बताता है कि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, जब यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा रामलला का, उसके बाद उस परिसर में इसी तरह से जिस हम देख रहे हैं इस वक्त देवस्थानम में माता जानकी, जैसा बता रही जटायु, उसके बाद हनुमान जी की भी वहाँ पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी, मंदिर बनाया जाएगा। देखिए, जो राम जन्मभूमि अयोध्या में, उसके आसपास आप देखेंगे, जैसा कि ये देवस्थानम है, मैंने बताया कि यहाँ कहा जाता है अयोध्या में कि यहाँ पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो राम जन्मभूमि के आसपास जितनी जगह हैं, यहाँ सुग्रीव का किला भी है, हनुमानगढ़ी जहाँ पे कहते हैं कि हनुमान जी पूरे अयोध्या की रक्षा करते थे, राम जन्मभूमि से कुछ दूरी पे कनक भवन है, जहाँ कहते हैं कि जब सीता का विवाह हुआ भगवान राम से तो वो वहाँ पर आके रही थी, वहाँ दशरथ महल है, जहाँ कहते हैं चारों भाई वहीं पर खेलते थे दशरथ महल के आंगन में। तो इस तरह से पूरा इलाका भगवान राम से जुड़ा है, ऐसी मान्यता है कि भगवान राम का क्योंकि बचपन भी यहाँ बीता, अयोध्या में उन्होंने राज किया, तो सरयू नदी हो, चाहे दशरथ महल हो, चाहे कनक भवन हो, सबसे उनका गहरा रिश्ता रहा है। तो इस जगह पे भी ये कहा जाता है कि क्योंकि उनका नामकरण संस्कार इस स्थान पे हुआ था, इसलिए इसका खास महत्व बताया जाता है। तो राम जन्मभूमि के चारों तरफ, जो राम जन्मभूमि के बाहर भी मंदिर है, खास तौर से उनको और ज़्यादा बेहतर, उनको खूबसूरत किया जा रहा है। उनका जो कुछ टूट गए हैं, पुराने हो गए हैं, पुताई नहीं हुई, उन सबका निर्माण इस समय राम जन्मभूमि में भी काम चल रहा है, बाकी अयोध्या के मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। मंदिरों को भी सजाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। रुचि, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, हालांकि अभी तो बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में ये काम चल रहा है, 2024 के अंत तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा, 2023 तक काम पूरा कर लिया जाएगा, 24 में दर्शनों के लिए हम सब वहां पर जा सकेंगे, तो किस क्रम में ये दर्शन होंगे, क्या इस बारे में भी जानकारी दी गई है? क्योंकि अब जो भक्त भारत की किसी भी कोने से वहां पर पहुंचेंगे तो वो रामलला के दर्शन तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी, अपने अपने राज्यों के जो देवता हैं उनके मंदिर भी दिखेंगे। देखिए, हाँ, क्योंकि राम जन्मभूमि में तो भगवान राम का जन्म होगा, जहाँ भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ होंगे, हनुमान जी होंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि माँ सीता का भी मंदिर वहाँ बनाने का प्लान है, शबरी का, जटायुओं का, लक्ष्मण जी का, सबके मंदिर राम जन्मभूमि के अंदर बनेंगे। लेकिन ये जो मंदिर है जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये राम जन्मभूमि के बाहर है। तो जाहिर है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग, श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो आसपास के मंदिरों में भी दर्शन करेंगे, और जो भव्य नव्य अयोध्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बना रही है, उसमें सिर्फ देश के ही नहीं, सारे स्टेट्स के लिए जगह छोड़ी गई है कि वो यहाँ पर अपने भवन बना सकेंगे। और खासतौर से जो विदेश हैं, जहाँ पर जैसे थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है, जहाँ भगवान राम की पूजा होती है, उनके लिए भी अलग अलग स्थान यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों को देखते हुए, कुल मिलाकर जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या को एक आध्यात्मिक, हम कह सकते हैं कैपिटल बन जाएगा, जो कि हम स्पिरिचुअल कैपिटल कह सकते हैं, और जिसमें समावेश देखने को मिलेगा पूरे भारत का, इस पर हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ देवेंद्र भी मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार सरकार ने इसको लेकर किस किस तरह की प्लानिंग की है, और उसमें किस तरह से इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी नजर आएगा आने वाले दिनों में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।